The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is urine culture? Right? You, urine ka blood urine test. Urine ka test, sorry, culture test urine correct hota hai. यूरिन का बेसिक यूरिन एनालिसिस कर लिया यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कर लिया उसके बाद यूरिन को अगर उसके अंदर एक भी बैक्टीरिया दिखता है या नहीं भी दिखता है, तो उसको ग्रो करके देखा जाता है यूरिन को ग्रो करके देखा जाता है मीडियम में प्रॉपर मीडियम में डाल के एडल्ट का भी कर सकते हैं चिल्ड्रन का भी कर सकते हैं और उसको ग्रो करके देखते हैं कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा फंगस है कौन सा तरीके की चीज़ है और जब वो निकल आए किसी प्रकार का बैक्टीरिया तो वो बैक्टीरिया किस किस एंटीबायोटिक से किस किस एंटीबायोटिक से इफेक्ट होता है है ना तो वो किस किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है किस किस से इफेक्ट होता है ये देखा जाता है यूरिन एनालिसिस में राइट इसके लिए भी आपको एक क्लीन कैच यूरिन सैंपल चाहिए जैसे मिड स्ट्रीम यूरिन पहले थोड़ा निकल जाने दो फिर बीच का उठाओ यूरिन सैंपल और डब्बा बंद रखना है डब्बा खोल के उसको हिलाना फिलाना नहीं मतलब जैसे यूरिन का कंटेनर है सील्ड है सील को खोलना नहीं है जैसे टाइम पे यूरिन लेंगे, उसी टाइम पे खोलना है उसी टाइम पे लेके बंद करके दे देना है एज सुन एज पॉसिबल राइट रिमेंबर दिस और यूरिन सैंपल को आ, एक कैथेटर डाल के भी लिया जा सकता है आपके पेशाब की नली में कैथेटर डाल के दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी वो हॉस्पिटल्स में किया जाता है जब हमें लगता है कि पेशेंट इन्फेक्शन के साथ आ रहा है राइट और कई बार अगर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो यूरिन नीडल डाल के भी लिया जा सकता है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी पूबी से ऊपर से नीडल डाली जाती है बट वो कई नहीं किया जाता रेयरली किया जाता है इसके लिए यूरिन को लेना चाहिए बिना किसी एंटीबायोटिक खाए सबसे ज़रूरी एंटीबायोटिक खा लिया फिर यूरिन दिया तो कच्छू नहीं आने वाला मतलब कुछ नहीं आने वाला भाई साहब अगर आपने एंटीबायोटिक खा लिया और उसके बाद कल्चर फल्चर कराने की कोशिश करी तो एंटीबायोटिक बहुत जोरदार चीज़ होती है और एंटी बैक के एकदम नंबर कम कर देती है ना के बराबर और फिर जब आप यूरिन लोगे उसका कल्चर करोगे उसमें हो सकता है कुछ ना आए इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक खाने से पहले यूरिन यूरिन यूट्रीन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर कराया जाता है और यूरिन कल्चर को कम से कम दो से तीन बार लिया जाता है राइट क्योंकि नेगेटिव बोलने से पहले तीन बार करना पड़ता है पॉजिटिव में तो एक ही बार में आ जाए तो आ जाए पॉजिटिव का मतलब उसमें बैक्टीरिया मिल जाए तो मिल जाए मगर हो सकता है एक बार किया उसमें नहीं मिला दूसरी बार किया उसमें मिल गया तीसरी बार किया उसमें मिल गया तो so, तीन बार किया जाता है तीन बार में नेगेटिव आया तब बोला जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है या फिर एंटीबायोटिक चल रहा हो तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते तो ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आपको एंटीबायोटिक चला दिया जाता है फिर एक ही बार किया जाता है राइट तो कैथेटर और वो टेस्ट क्यों किया जाता है इन्फेक्शन के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली कोई ग्रोथ नहीं होती जीरो ग्रोथ होती है नॉर्मल का मतलब जीरो ग्रोथ राइट और अगर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में बैक्टीरिया यीस्ट फंगा है ये पता चलते कौन से हैं कौन से टाइप के हैं कितने हैं <coughs> कितनी कॉलोनीज हैं और किन किन एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंट है किन किन एंटीबायोटिक के ये सेंसिटिव है ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे तो आपका इन्फेक्शन जड़ों से खत्म हो जाएगा तुरंत निस्तनाबूत हो जाएगा बिल्कुल कौन से बम गोले फेंके तो ये हमें पता चलता है बहरहाल उसके टेस्ट रिपोर्ट को आने में लगता है समय कल्चर को आने में दो से तीन दिन कई बार चार दिन कई बार पांच दिन भी लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चीज का कल्चर कर रहे हैं सो so, कल्चर के रिपोर्ट तक वेट नहीं कर सकते इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दिया जाता है ज्यादातर वो एंटीबायोटिक काम करता है अगर कोई ऐसा कीटाणु जीव जंतु ऑर्गेनिज्म निकल गया जो उस उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो फिर आपके डॉक्टर रहते हैं एक रिवर्स गेयर वो एंटीबायोटिक बदल डालते हैं और वो बदल डालने से एक सेकेंड गेयर लगाने से फिर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है सफल ज़्यादातर केस में पहले लेवल पर ही हो जाता है नहीं तो सेकेंड लेवल पर जाना पड़ता है ये है सिस्टम सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट सो कल्चर यूरिन कल्चर में कोई रिस्क होता है जी नहीं कोई रिस्क नहीं होता है यूरिन का सैंपल लेने में ही रिस्क है सैंपल लेने में अगर कैथेटर या इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ तब इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है बहुत बड़ी बात जो आपको बतानी जरूरी है इस सिलसिले में <coughs> यूरिन कल्चर के बारे में कि यूरिन कल्चर में पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव भी चीज़ें होती है ना व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव मान लीजिए आपको यूरिन का डब्बा दिया कि ये यूरिन का डब्बा है आप इसमें जाके यूरिन लेके आना आपने क्या किया अच्छा दिखाओ तो अच्छा इसमें कुछ है क्या कुछ नहीं है इसमें ओके okay, खाली है अगर आपने उसको पहले खोल दिया उसमें हवा भी चलेगी हाथ पे प्या दिया कुछ भी कर दिया तो वो इन्फेक्ट हो गया वो कंटेमिनेट हो गया तो यूरिन के डब्बे में अगर आपने उंगली कर दी या नहीं भी कुछ करी सिर्फ डब्बे का बट वो भी खोल दिया हवा घुस गई तो भी कंटेमिनेट तो हो जाता है अब बोलेंगे हवा तो घुसेगी जी हाँ घुसेगी लेकिन बार बार नहीं खोलना है ना एक ही बार खोलना है एक ही बार खोलना है जब यूरिन लिया उसी समय उसको फाड़ा खोला डाला बंद किया बस खत्म समझ रहे हो इसलिए उसको मिनिमम ओपनिंग मिनिमम हैंडलिंग दैट इज इंपॉर्टेंट राइट सो फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है जब ऐसी तरह से हमारे गलत तरीके से हैंडल करने की वजह से उसमें कंटेमिनेट चला गया तो कंटैमिनेट ग्रो हो जाता है बैक्टीरिया और हमें लगता है कि भाई इसका इन्फेक्शन तो नहीं है सो so, इस चीज़ को बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर और बाय बायमिनेटिंग जो ज्यादातर कंटेमिनेट होते हैं आपके स्किन के होते हैं होते हैं या जो दूसरे होते हैं उनको देखना होता है किस प्रकार के है इज इट अ कंटेमिनेंट और इज इट नॉट रिमेंबर दिस राइट सो ये हुई बात सारी यूरिन कल्चर की रूटीन माइक्रोस्कोपी हमने पहले वीडियो में देख चुके ओके okay?